बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे वायरल ट्रांसमिशन। इससे पहले इस सब्जेक्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट किस्म के जीनोम जो हैं वायरसेस के, वो कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करवाते हैं। आज जो है वो उसी सीरीज का दूसरा लेक्चर है, उसको हम कहते हैं वायरल ट्रांसमिशन, कि कैसे वायरसेस जो हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, या विद इन प्लांट जो है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। ये दोनों टॉपिक जो हैं वो हम वायरल ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन के, कैसे जो है वो एक वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर हो सकता है। इसमें सबसे पहले है मैकेनिकल ट्रांसमिशन। ये सारी टाइप्स हैं, इनको हम बारी बारी पर डिस्कस करेंगे। सीड ट्रांसमिशन होती है, पोलर के जरिए से ट्रांसमिशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जरिए से है, ग्राफ्टिंग के जरिए से है, इनवर्टिब्रेट जैसे इंसेक्ट्स वगैरह इनके जरिए से है, फंगस वगैरह के जरिए से हो सकती है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन जो है इसमें कहते हैं कि किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट की वजह से जो है वो वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है वो ट्रांसफर होता है। टबैको मोज़ेक वायरस अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें हमें कि एक प्लांट जो है वो लगा हुआ है, उसमें जो है वो एक हिस्सा जो है वो लीव का इन्फेक्टेड है किससे, टबैको मोज़ेक वायरस से। फिर बंदा जो है वो उसमें पे गोटी करता हुआ या कोई जो और काम करते हुए उतना हिस्सा जो है उतना पत्ता जो है वो टूट के उसका कुछ हिस्सा उस कपड़ों के साथ या उस औजार के साथ जिसके साथ वो वर्क कर रहा था, तो वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर हो जाता है। दूसरे प्लांट में जब वो काम कर रहा है तो उसको कोई औजार को कोई जो है वो समझ लें कि वो जो औजार था उसके जरिए से वाउंड लगा है, वो वायरस उसके जरिए से इन साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया, या किसी कपड़ों के साथ टच होके दूसरे प्लांट तक ट्रांसपोर्ट हो गया, वहां से किसी वाउंड के जरिए से जो है वो अंदर दाखिल हो गया। तो ये क्या है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन है। किसी जो है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट की वजह से जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है वो वायरस क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल ट्रांसमिशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं उसके जरिए से हो सकती है, या ये जो है वो किसी वर्क वहां पे चलने वाले किसी भी पर्सन की वजह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। किसी भी ऐसी की वजह से जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक वायरस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं फिजिकल कॉन्टेक्ट। इसके बाद सीड ट्रांसमिशन है। एक प्लांट है उसके अंदर जो है वो वायरस ने उसको इन्फेक्ट किया हुआ है, तो वायरस जो है उसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ, सिस्टमिक जो है उसके अंदर वायरस ने अप्रोच की हुई है, पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो वहां से उस प्लांट में अगर सीड प्रोडक्शन होती है तो वो वायरस उस सीड के अंदर भी आ जाता है। तो ये जो सीड है जिसके अंदर वायरस आ गया, इसके एम्ब्रियो में चला गया या किसी और टिश्यू में जो है वो वायरस चला गया, वहां से इस सीड को जब ग्रो करवाएंगे, नेक्स्ट प्लांट उससे ग्रो करवाएगा, तो वो अर्ली ही उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा वो प्लांट। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सीड की, उसके जरिए से एक जगह से दूसरे मुल्क में भी पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री से जो है वो वीट इम्पोर्ट करता है, या कोई भी और क्रॉप जो है वो बर्ड की जाती है, अगर उसमें कोई एक आध सीड भी वायरस इन्फेक्टेड है तो वो साथ ही वायरस जो है वो उस प्लांट के अंदर आ जाएगा जो हम उस सीड से ग्रो करवाएंगे। ये तो अगर उसके एम्ब्रियो के अंदर टिश्यू के अंदर चुप के बैठा है वायरस। दूसरा जो है ये हो सकता है कि मैकेनिकल ट्रांसमिशन हो सकती है सीड के जरिए से, सीड की सतह के ऊपर वायरस, सीड के इनसाइड टिश्यू पे नहीं है, सीड की सतह के ऊपर जो है वो वायरस मौजूद है, तो वहां से जब वो सीड को ग्रो करवाएंगे तो वहां से भी जो है वो नया प्लांट जो बनेगा तो उसके अंदर वायरस एंट्री ले सकता है। लेकिन इस सूरत हाल में वायरस को सतह के ऊपर से मारना जो है वो आसान है, बहुत सारे जो सरफेस स्टरलाइजर्स हैं इनके जरिए से जो है वो वायरस को वहां से किल किया जा सकता है, वायरस को वहां से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर इनसाइड सीड है तो फिर वहां से वायरस को रिमूव नहीं किया जा सकता, तो उससे बनने वाला प्लांट जो है वो एट अर्ली स्टेज ही जो है वो किससे इन्फेक्टेड हो जाएगा, वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा। दूसरी किस्म की तीसरी किस्म की जो ट्रांसमिशन है वो है पोलर ट्रांसमिशन। एक प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, उसके अंदर
सिस्टम में अप्रोच की हुई है वायरस ने, सारी बॉडी में फैला हुआ, उसके पोलन ग्रेन्स में भी चला जाता है। वो पोलन ग्रेन जो है पोलिनेशन के दौरान उस प्लांट से दूसरे प्लांट की ओवरी तक ट्रांसपोर्ट होने होते हैं। एक प्लांट से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट की ओवरी तक जो है वो ट्रांसपोर्ट होने होते हैं। उसे प्लांट की कार्पल तक जब जाते हैं तो साथ में अपने अगर वो पोलन जो है वो वायरस इंफेक्टेड है तो वो दूसरे प्लांट में भी वायरस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इस ट्रांसमिशन के जरिए से हो सकता है कि ये जो नया प्लांट है जिसके अंदर वायरस जो है वो आया है पोलन ग्रेन के जरिए से, हो सकता है वो वायरस आके पूरे मदर प्लांट में फैल जाए, या हो सकता है कि वो पोलन ग्रेन के जरिए से जो है वो सिर्फ एम्ब्रियो तक ही कंसाइज कर जाए और वो सीड के अंदर चला जाए और सीड के जरिए से फिर नए प्लांट में जाएगा। फिर हो सकता है कि पोलन के जरिए से जो आया है तो वो इस पूरे के पूरे प्लांट के अंदर ही जो है वो क्या कर जाए फैल जाए। तो यहाँ से पोलन के जरिए से, पोलन ग्रेन्स के जरिए से भी जो है वो ट्रांसमिशन हो सकती है वायरसेस की। गैमेट इन्फेक्ट कर सकता है, गैमेटिक इन्फेक्शन हो सकती है पूरे के पूरे एम्ब्रियो की, और यहाँ फिर हो सकता है कि एक मदर प्लांट जो है वो बजाते खुद ही जो है पूरे का पूरा क्या हो जाए इन्फेक्टेड हो जाए, और उससे बनने वाले जितने भी सीड होंगे वो फिर सारे के सारे क्या होंगे इन्फेक्टेड प्रोड्यूस होंगे। इसके बाद आ जाती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये होते हैं कि प्लांट के किसी एक हिस्से के जरिए से नया प्लांट बनाना। टिश्यू कल्चर में हम कोई प्लांट जो है पार्ट लेते हैं लीफ का, स्टेम का या रूट का, उससे नया प्लांट बनवाते हैं। कटिंग में जो कलमकारी करते हैं उसमें गुलाब के एक एग्जांपल है, उसकी टहनी काट के उससे जो है वो हम नया प्लांट बनवा रहे होते हैं। इस तरह बाद बल्ब के जो है ना वो एक प्लांट से निकाल के दूसरे उनसे नया प्लांट जो है वो ग्रो करवा रहे होते हैं, किसी भी रूट स्टॉक से ग्रो करवा रहे होते हैं। तो मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन है कि प्लांट के किसी पार्ट से जो है वो नया प्लांट जो है वो बनाना। जब एक प्लांट जो है वो वायरस इंफेक्टेड है, उसको वायरस ने इंफेक्ट किया हुआ है तो उसकी सारी बॉडी में वायरस फैला हुआ, सिस्टमिक जो है ना वो वायरस ने अप्रोच ली हुई है पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो उसका कोई भी पार्ट लेंगे तो उसके अंदर जो है वायरस मौजूद है, तो उसको लेके जब हम ग्रो करवाएंगे उसे नया प्लांट बनवाएंगे तो वायरस उस नए प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए से ट्रांसमिशन वायरसेस की। तो इन के जो हम पार्ट इस्तेमाल करते हैं उनमें ट्यूमर्स आ जाते हैं, बग्स, कॉम्स, रनर्स, कटिंग वगैरह, ये सारे के सारे जो है जिस प्लांट से आप ले रहे हैं अगर वो वायरस इंफेक्टेड है तो उससे बनने वाला नया प्लांट जो है वो भी वायरस इंफेक्टेड होगा। इसके बाद देखते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग होती है कि एक प्लांट का आप जो है वो शीन ले रहे हैं, स्टेम स्टॉक ले रहे हैं, दूसरे एक रूट स्टॉक ले रहे हैं, इन दोनों को हम इसके ऊपर जो है वो लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, जो इनके आपस में जो है वो फ्लोएम का, जाइलम का, वैस्कुलर बंडल का कनेक्शन बन जाता है, टिश्यू मर्ज होके ब्रांचेस को जोड़ देते हैं। एक का क्या है रूट स्टॉक है और दूसरे की क्या है ब्रांच है। अगर इन प्रोसेस को, इनके जोड़ने के प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। अगर इनमें से एक भी, चाहे वो जिसका आपने शीन लिया, जिसकी आपने ब्रांच ली है, या फिर वो प्लांट जिसका वो रूट स्टॉक है, उसमें से कोई भी जो है वो वायरस इंफेक्टेड हो तो वो दूसरे प्लांट के अंदर जो है वो दूसरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। रूट स्टॉक में था वो ब्रांच में चला जाएगा, वो ब्रांच में था वो रूट स्टॉक में चला जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों जो है ब्रांचेस जो है, दोनों प्लांट जो है जिसका रूट स्टॉक था या जिसकी ब्रांच थी, दोनों प्लांट उस वायरस के लिए ससेप्टेबल हो, मतलब वायरस उन दोनों को इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखता हो। क्योंकि वायरसेस मोस्टली जो है होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, वो एक किस्म के प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, दूसरी किसी स्पीशीज के प्लांट को जरूरी नहीं कि वो इन्फेक्ट करें, कर भी सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट 100% राइट कि वो एक को अगर इन्फेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे को भी इन्फेक्ट करेंगे। तो इनमें से जब हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, उनमें से अगर रूट स्टॉक या यूरिन, इनमें से दोनों में से कोई एक भी जो है वो वायरस इन्फेक्टेड है तो वो वायरस जो है वो दूसरे के अंदर ट्रांसपोर्ट लाजमी हो जाएगा। ट्रांसमिशन बाय इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट्स की हम बात करें, फिर जो कि फ्लोएम से रस चूसते हैं प्लांट में, ग्रास ऊपर जो कि लीफ वगैरह खाते हैं, व्हाइट फ्लाई वगैरह, ये प्लांट के ऊपर जो है वो सब मिल, इनको हम कहते हैं ये पैरासाइट्स हैं, प्लांट के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। तो इनमें अगर वो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है उसके ऊपर जो है वो ग्रास ऊपर आ रही है, एफिड वगैरह वो जो है वो उसके ऊपर मौजूद है, एफिड तो आपको पता है फ्लोएम से जो है वो रस को जो है वो चूसते हैं, तो फ्लोएम के अंदर ही एक्चुअली वायरस की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है इनसाइड प्लांट, क्योंकि वहां से रस चूसता है उसमें से वायरस भी आ जाता है, वो आप किसी दूसरे नए प्लांट के ऊपर जाता है, वहां पे जो है
वो अपने स्टारलेट को घुसाता है तो उस प्लांट में, नए प्लांट में, तो वो वायरस उस प्लांट के अंदर भी चला जाएगा। इसी तरह ग्रास ऊपर जाओ किसी ऐसे प्लांट के ऊपर फीड करके आया जो कि वायरस इन्फेक्टेड था, तो वो वायरस जो है वो नए प्लांट तक भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अगर ग्रास ऊपर एक इन्फेक्टेड प्लांट को ईट करने के बाद किसी दूसरे नॉन इन्फेक्टेड प्लांट को जो है वो खाता है, तो वो वायरस उसके अंदर भी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये सेम इज ट्रू फॉर व्हाइट फ्लाई, अगर वो किसी वायरस इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर फीड करने के बाद जो है वो वायरस अनइन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर फीड करती है, तो वायरस की ट्रांसमिशन का बायस बनती है। सिमिलरली फंगल ट्रांसमिशन, कि फंगस के जरिए से भी वायरस जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक उनकी ट्रांसमिशन जो है वो देखी गई है। इनमें जो वेक्टर जो है वो मालूम है जिनके जरिए से वायरसेस फैलता जो है वो हमें पता है कि इनके जरिए से वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है वो चला जाता है। उसमें प्लास्मोडियोफोरोमाइसीट्स आ जाते हैं जो कि डिवीजन मिक्सोमाइकोटा के हैं, और इसी तरह काइट्रिटोमाइसीट्स हैं ये जो है वो डिवीजन ज़ूमाइकोटा के हैं। तो ये फंजाई जो है और इनके बहुत सारे मेंबर जो है ये वायरसेस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने की, ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जिसमें हमने ट्रांसमिशन पढ़ी वायरस की प्लांट टू प्लांट, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये हमने पढ़ा, इसके साथ ये हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वायरस जो है वो एक ही प्लांट के अंदर विद इन प्लांट जो है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है, एक सेल से दूसरे सेल में या फिर पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो कैसे उसकी ट्रांसमिशन होती है, कैसे जो है उसके अंदर फैलता है।